सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। आज के दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप भगवान से उम्मीद रखते हो। आज का पंचांग 8 फरवरी 2020, दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम 4:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 10:05 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:52 से 11:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मीन राशि 8 फरवरी 2020, दिन शनिवार, जब भी कोई फैसला लेना होता है आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है, यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगेगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। आज आप अपने परिवार व कार्यालय के लोगों के लिए भी भाग्यशाली साबित होंगी। इस अवसर का फायदा उठाते हुए दूसरों की मदद करें, वो आपको इसके लिए सराहेंगी। माता पिता के साथ मधुर संबंध बनाने की संभावना पाई जाती है। मित्र भाई बंधु इत्यादि के साथ अच्छे व्यवहार होने से कामकाज के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। भाग्य भी अच्छा साथ देगा और बाहर की यात्रा भी अच्छी हो सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज के दिन शुभ है। परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है किंतु लापरवाही ना करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। आज दान अवश्य करें किंतु ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरत हो। आपकी सलाह बहुत से लोगों के काम आएगी, इसलिए अपनी बात कहने से झिझक ना करें। सावधानियां, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है, परंतु वैचारिक मतभेद होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण एक दूसरे से तनाव हो सकता है। आपसे कहा सुनी होने के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप नई दोस्ती और नए विस्तार के माध्यम बनाएंगे। आप एक खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे और आपका हास्य भरा आनंद दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आप आज दोस्त बनाएंगे वो आगामी वर्षों में बहुत बहुमूल्यवान साबित होगा, परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो। आप एक सहायक के मुद्रा में हैं और अपने मित्र और परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी लापरवाही करने से बचे जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आपका ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वही होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। सेहत की बात करें तो आपको अपने और दूसरों के मामले में धीरज रखना सीखना होगा। आपके सामने ऐसे बहुत सारी स्थितियां आएगी जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ होगा और उन स्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए आपको सही वक्त और सही चीज होने का इंतजार करना सीखना होगा। सुबह की सैर करें और अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। आज का टिप्स, आज आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।